ओम नमः शिवाय जय महाकाल क्या आप भी अपने घर से कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो अपने घर में ताला लगा के जाते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा कैसे करना है इस पूरे काम को बताऊंगा कि मैंने ताला वहाँ पर क्यों लगाया है और जल क्यों लगाया है ठीक है लेकिन उससे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा ठीक है इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पज़ क्या था ये समझ लो देखो हम जब भी कहीं पर भी घर के बाहर अपने जाते हैं चाहे एक दिन के लिए जाएँ दो दिन के लिए जाएँ या फिर एक हफ्ते के लिए जाएं कहीं पे जाते हैं तो क्या करते हैं अपना घर खुला छोड़ के तो जाते हैं नहीं है वह हम अपने घर पे ताला जरूर मारते हैं लेकिन जब ताला लगा के घर से बाहर चले जरूर जाते हैं लेकिन हमारा मन हमारे घर में लगा रहता है कि अरे मेरे घर में ताला लगा हुआ है पता नहीं कोई ताला तोड़ दे कोई चोरी कर ले हमारी इतनी मेहनत की कमाई है खून पैसे की कमाई है कोई चोरी करके ले गया तो हम क्या करेंगे हम तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसी फीलिंग्स आती होंगी आपको कहीं बाहर जाते हो देखो आज से आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा ठीक क्या करना बहुत ध्यान से सुनना सबसे पहले बता दूं कौन सी चीज की जरूरत होगी स्क्रीन पर आपको यहां पर काला तिल दिख रहा है दिख रहा है तो आपको बस एक चुटकी काला तिल या फिर एक चम्मच काला तिल लेना और आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना तांबे के लोटे में जो जल भरोगे आपके यहाँ जहाँ मटका रखता हो परिंदा रखे हों या फिर आर का पानी हो इसमें डाल देना और इसमें एक चुटकी जो काला तिल लिया है उसको डाल करके इस कलश को किसी प्लेट या फिर किसी थाली से ढक देना ठीक है ढक करके इस कलश को कहाँ पर रखोगे आपके घर में कहीं पर भी किसी भी कमरे में ले जा करके आप उस कलश को रख देना अब यहीं पर समझना किसका नाम लेना है क्या करना है किसका नाम लेना है भूतेश्वर महादेव नाम याद रखना कौन सा नाम भूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस कलश को वहां पर रख देना प्रार्थना करना महादेव मैं इस काम के लिए या फिर यहां पर मैं घूमने जा रहा हूं एक दिन दो दिन चार दिन के लिए मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में है मेरे घर में रखा हुआ हर सामान की जिम्मेदारी आपके हाथ में है और यह सामान चोरी नहीं होना चाहिए प्लीज कुछ भी करके जैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं महादेव से नाम याद रखना भूतेश्वर महादेव के नाम से उस कलश को वहां पर रख लेना अब जब आप दो चार दिन या फिर एक हफ्ते बाद घर पर लौट करके आए तो उस कलश को आप वहां से उठाइएगा और उठा करके महादेव कोशिश की मैंने आपको एक नई चीज एक अच्छे तरीके से समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में पूछें आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमः शिवाय जय महाकाल